ओके चलो स्टार्ट करते हैं। नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत ध्यान से देख रहे हैं आपकी बुकलेट, बुकलेट का पेज नंबर 80, बुकलेट के पेज नंबर 80 पे ये चैप्टर स्टार्ट है विद द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये बताया कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, एक तार है जिसमें करंट है, तो ऑब्जर्व किया गया है कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को जो प्रोड्यूस करती है, इस अफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास अगर आप मैग्नेटिक नीडल को लेके आओ, एक सुई मैग्नेटिक नीडल, तो वो डिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी आपको। तो इसमें जब वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, इट मींस कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। पहली बार ये ऑब्जर्वेशन किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की थी, ओरिस्टेड। इसीलिए ऑब्जर्वेशन का नाम क्या है, ओरिस्टेड ऑब्जर्वेशन। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि एक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते थे बाय टर्म ई वेक्टर। ई वेक्टर का मतलब कि फील्ड कितना स्ट्रांग है, और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं बाय बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ई ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो बी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर। तो जैसे हम ई वेक्टर निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इस चैप्टर में बी वेक्टर निकलेगा। ई वेक्टर को निकालने का तरीका था फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम। बी वेक्टर को निकालने का कि जो यूनिट्स कुछ और है, आगे आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए टेस्ला। तो बी वेक्टर के जो यूनिट्स हैं वो किस में आएंगे, इन टेस्ला। तो बी वेक्टर के एसआई सिस्टम में यूनिट्स हैं टेस्ला, और सीजीएस सिस्टम में क्या है, गॉस, टेस्ला गॉस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या है, बी की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे ई की या एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करते थे कूलम लॉ। सारा चैप्टर कूलम लॉ के ऊपर बेस्ड था, जो ई निकाल के देता था या एफ निकाल के देता था। एफ आ गया तो ई आ गया, एक ही बात है। उसी तरीके से बी निकालने का काम पहली बार किसने किया था, बायट ने। तो एक लॉ बनाया उसने अपने नाम का, बायट सेवरेट्स लॉ। तो बी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये हमें लॉ देगा। ये लॉ बुकलेट के अंदर भी लिखा हुआ है, और ये लॉ हैंड रिटन शीट नंबर 56। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 56 का प्रिंट आउट लेंगे। तो हैंड रिटन शीट नंबर 56 यहीं से स्टार्ट है, तो हम यहीं से कर लेते हैं, एक ही बात है। बुकलेट में लिखा, यहां पे लिखा, एक ही बात है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बायट सेवरेट्स लॉ हमें क्या बताता है, कि ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके बताएगा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये आपको एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करके बताएगा, ये आपको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी का फॉर्मूला देगा। मतलब अगर आपके पास बहुत लंबी वायर है और उसमें करंट है, और आप उस लंबी वायर की वजह से किसी पॉइंट पर बी निकालना चाहते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। ये उस वायर का एक स्मॉल पोर्शन लेके उस स्मॉल पोर्शन की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आपको दे देगा। तो डीबी का फॉर्मूला देगा, बी नहीं देगा। बी निकालने के लिए आपको हर एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। जैसे ये पूरी वायर है, इस पूरी वायर के स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी देगा, पर टोटल बी निकालने के लिए हर एलिमेंट का बी आपको कॉन्ट्रीब्यूट करवा के यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल बी आएगा। तो चलो स्मॉल बी के लिए तो फॉर्मूला देखें क्या है। तो इसके लिए अगर आपके पास ये एक वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, और मान लो इसका एक स्मॉल एलिमेंट है डीएल, और आप इस डीएल एलिमेंट जो डीएल है वो एक स्मॉल एलिमेंट है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर ऊपर भी बन सकता था और ये वेक्टर नीचे भी बन सकता था। ये वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करेगा करंट। अगर करंट वायर में ऊपर जा रहा है तो डीएल वेक्टर ऊपर है, और अगर करंट नीचे आ रहा है तो डीएल वेक्टर नीचे है। क्योंकि मेरे इस प्रॉब्लम में करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है। तो डीएल वेक्टर से आर वेक्टर दूर, ये भी एक वेक्टर है, आर डिस्टेंस या आर वेक्टर दूर आपको यहां पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकालना है। तो
आपने एंगल लिया डीएल और आर में सपोज कितना थीटा, क्योंकि आर कहीं भी हो सकता है तो एंगल थीटा कैन वेरी। आर अगर इधर इधर लेके जाओगे या इधर लेके जाओगे एंगल विल वेरी। तो मान लो इनके बीच में एंगल थीटा है, किसके किसके बीच में, डीएल वेक्टर और वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो बायट-सावर्ट्स लॉ कहता है कि यहां पर जो मैग्नीट्यूड ओनली वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ करंट जो इस वायर में से पास कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है, करंट आई पे। ये लॉ के अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंटल जो है जो इसकी स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं। तो बायट-सावर्ट लॉ में ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ज्यादा आएगा अगर करंट ज्यादा जा रहा है। फिर सेकेंड पॉइंट है, अगर एलिमेंट बढ़ा है, डीएल की वैल्यू बढ़ी है तो फील्ड भी बड़ा आएगा। फिर थर्ड वैल्यू कि डीबी की वैल्यू प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन डी आर। किसी ने पूछा कि साइन क्यों, कॉस क्यों नहीं या टैन क्यों नहीं, उसका रीजन अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि साइन ही क्यों लिया। तो एक्सपेरिमेंटली साइन थीटा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इसमें डीबी की वैल्यू भी फिर बड़ी आएगी। और लास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये लॉ है। इन सबको आपने कलेक्ट किया, db is i dl sin theta divided by r square, और एक कांस्टेंट आया कौन सा, k। जैसे कूलम लॉ में कांस्टेंट होता था स्टैंडर्ड 1 by 4 by epsilon naught, इसमें क्या होता है mu naught by 4 pi। जैसे 1 by 4 by epsilon naught की वैल्यू कैलकुलेटेड कैलकुलेट करके 9 into 10 की पावर 9, इसमें mu naught by 4 pi की वैल्यू 10 की पावर minus 7 स्टैंडर्ड है। जैसे epsilon naught को बोलते थे परमिटिविटी, म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी। जैसे एप्सिलॉन मीडियम के साथ चेंज होता था ऐसी म्यू भी मीडियम के साथ चेंज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर मीडियम में डिफरेंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हर मीडियम में डिफरेंट आएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम हर मीडियम में अलग काम करते थे और हर मीडियम का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गिवन होता था, हम हर मीडियम में काम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी हर मीडियम में काम कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, आपके न्यूमेरिकल वैक्यूम में ही चलेंगे। तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स और ये चीज़ों को हम इसमें यूज़ नहीं करते, कर सकते हैं पर हमारे सिलेबस के अंदर वो जो है नहीं, हम वैक्यूम के साथ ही काम करेंगे। इसलिए म्यू एम डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यूज़ नहीं होगा, म्यू नॉट के साथ ही काम होगा वैक्यूम के साथ। तो जिसकी वैल्यू कितनी है 10^-7। तो लॉग कम्प्लीटली के की जगह कॉन्स्टेंट पुट किया तो लॉग इसमें कन्वर्ट हो गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो गया, क्लियर है यहां तक, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखने का तरीका है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई करंट है, डीएल और आर में डीएल भी वेक्टर है आर भी वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। कोई कहेगा ये कैसे, ये कैसे बन गया, ये फॉर्मूला चेंज कैसे हो गया, ये चेंज नहीं हुआ। दो मिनट के लिए इसे ओपन करो, ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। कैसे, ए क्रॉस बी क्या होता है फिजिक्स में, ए बी साइन थीटा, इसमें क्या आएगा डीएल इंटू आर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर विच इज थीटा। डीएल और आर में एंगल क्या आएगा थीटा। और जैसे ही आपने इसको ओपन किया आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल, तो फॉर्मूला चेक करो एग्जैक्टली सेम आ गया, तो डीबी की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें, आप चेक कर लो आपका बायट-सावर्ट लॉ वापस आ गया जो यही वाला। इसका मतलब इसको जब ओपन करेंगे तो अल्टीमेटली वही बायट-सावर्ट लॉ आएगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो अगर वेक्टर फॉर्म कल को आता है किसी न्यूमेरिकल में तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, वैसे नॉर्मली स्केलर ही आता है तो इससे काम चलता है हमारा, ज्यादातर केस में स्केलर है, कभी कभी वेक्टर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? फिर मैंने आपको ये बता दिया आई को करंट बोलते हैं, डीएल को स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं, तो आपकी बुक्स आई डीएल को इकट्ठा क्या बोलती हैं, करंट एलिमेंट। तो आई डीएल का अगर वो बोले कि करंट एलिमेंट तो आप समझ लेना आई और डीएल की मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछी जा रही है। फिर उसके बाद यूनिट्स ऑफ डीबी मैंने बता दिया क्या होते हैं टेस्ला, एंड डीबी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। ई इज अ वेक्टर, डीबी इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी मेरे को क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों बतानी पड़ेंगी। तो अब इस केस में नॉर्मली म्यू और एप्सिलॉन हम यूज करते हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, ये यूज नहीं होता पर फिर भी बुक्स में लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर आएगा उसमें यूज होगा, अभी यूज नहीं होगा पर पता होना चाहिए।
अगर मैं किसी भी मीडियम की एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेके वन से डिवाइड कर दूं तो आंसर सी के इक्वल आता है, विच इज स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर कभी ये फॉर्मूला यूज करता हुआ नजर आया आपको तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है, वैसे कम यूज होता है। बायट सर्वेट लॉ क्लियर है? तो एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल जिसमें जैसे सपोज आपको एक करंट गिवन है इस वायर में, ये एलिमेंट गिवन है स्मॉल, ये एलिमेंट में करंट 8 एम्पियर का करंट है आई, आपको डीबी निकालना है और ये लेंथ कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का मतलब मुझे क्या गिवन है, डी एल गिवन है, स्मॉल एलिमेंट डी एल गिवन है, तो डी एल गिवन है और मुझे डीबी निकालना है कहां पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो इसका मिड पॉइंट आएगा यानी कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ये क्या आएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो एंगल इसका मतलब यहां पर क्या होगा 45 डिग्री और ये डिस्टेंस कितना है आर, इसका मतलब आर और डीएल में एंगल कितना लेना है मुझे 45। किसने बोला सर आपको कैसे पता लगा कि डीएल ऊपर है नीचे क्यों नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट इन मैंने कम लिखी है लेकिन स्टेटमेंट में गिवन था करंट एक वायर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो मैंने सीधा लिख दिया नॉर्थ की तरफ, ठीक गिवन होगा आपको करंट और डीएल की डायरेक्शन आपको गिवन होगी। तो आप अगर इसमें डीबी निकालें तो फॉर्मूला लिखें म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी अभी क्या सीखी हमने याद करनी है 10 की पावर -7, करंट 8 है, डीएल 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, थीटा 45 है, आर आपको 200 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो डीबी की वैल्यू आएगी जो कि किसमें आएगी इन टेस्ला, आंसर आ गया। पर क्योंकि बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो अब हम एक काम करते हैं इसकी डायरेक्शन निकालने सीखते हैं, डायरेक्शन के लिए वापस चलते हैं वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, डीबी की डायरेक्शन इज डीएल क्रॉस आर, चलो ए आई क्रॉस जे याद है राइट हैंड से आई क्रॉस जे, ऐसी डीएल क्रॉस आर अपने राइट हैंड की 4 फिंगर डीएल के ऊपर क्रॉस आर, ये डीएल है क्रॉस आर, थंब कहां आएगा बोर्ड के इनसाइड, डीएल क्रॉस आर बोर्ड के अंदर, तो डायरेक्शन कहां आएगी बी की, इसका मतलब बोर्ड के इनसाइड, क्योंकि जो भी डीएल क्रॉस आर होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी बी की होगी। तो डीएल क्रॉस आर कैसे निकलता है वेक्टर सबको मालूम है, राइट हैंड लेके 4 फिंगर डीएल के ऊपर क्रॉस आर डायरेक्शन इनसाइड आएगी। और आपकी बुक्स क्या करती हैं, या तो आंसर के पीछे लिखेंगे इनसाइड या फिर क्या बनाएंगी क्रॉस, क्योंकि हम एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में, ये वेक्टर होता है, ये इसका टिप है बिल्कुल तीखा एक पॉइंट नजर आएगा और ये क्रॉस नजर आता है, अगर ये वेक्टर बोर्ड के अंदर जाए तो आपको इसका सिर्फ पिछला हिस्सा नजर आएगा यानी कि क्रॉस बोर्ड के अंदर जा रहा है, और अगर ये वेक्टर बोर्ड के बाहर आ रहा है तो आपको सिर्फ क्या नजर आएगा इसका डॉट, तो डॉट का मतलब वेक्टर बाहर आ रहा है यानी कि ये डायरेक्शन आउटसाइड है, क्रॉस का मतलब ये वेक्टर इनसाइड है तो यानी कि ये डायरेक्शन इनसाइड है। तो आपकी बुक्स कभी कभी डॉट और क्रॉस यूज करती हैं, मैंने लिख दिया कि डॉट का मतलब यहां पर आउटसाइड है, क्रॉस का मतलब इनसाइड है, तो अगर आपकी कोई ऑब्जेक्टिव में इनसाइड ना लिखा हो, इनसाइड की जगह क्रॉस लिखा हो, तो आपको समझ में आना चाहिए क्रॉस का मतलब इनसाइड है। आपकी बुक्स आगे ऐसे भी यूज करेंगी, मान लो ये रीजन है, वो कहेंगी ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, इनसाइड है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगी, वो बताएगा नहीं बी की डायरेक्शन, वो डॉट और क्रॉस बना देगा, आप खुद ही समझेंगे कि डॉट और क्रॉस का मतलब क्या होता है। क्या ये स्टेप क्लियर है, फर्स्ट पेज क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो बायट सर्वेट लॉ का फॉर्मूला और उसका एक न्यूमेरिकल क्लियर, बट हम इसकी डायरेक्शन को ऐसे नहीं सीखेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया डीएल क्रॉस आर, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो डीएल लो क्रॉस आर लो, आंसर गलत नहीं है बिल्कुल सही है, हम कोई और रूल यूज करेंगे, डिफरेंट रूल यूज करेंगे, ये रूल आपको आना ही चाहिए क्योंकि बहुत बार मैं इसको यूज करने वाला हूं बहुत क्वेश्चंस में, और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं आई बेटर है आप 2 दिन की छुट्टी ले लें क्योंकि आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता, डायरेक्शन बैठ गए डायरेक्शन नहीं सीखी
तो मतलब क्वेश्चन ही ठीक होता, पक्की बात है। इससे अच्छा तो मैच ही देख लें यार आज, और जो भी देखना है आपने वो बेटर है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका आइडिया अभी थोड़ी देर में आपको हो जाएगा। गेम ही सारी डायरेक्शन की है, ये सच बात तो ये है। मैग्नेटिक फील्ड में सारी गेम ही डायरेक्शन की है। तो डायरेक्शन निकालने का रूल हम चेंज कर रहे हैं, इसका लंबा रूल है ये, छोटा रूल। आपको ना सपोज करंट कैरिंग वायर गिवन है आई, ठीक, आपको करंट गिवन है और आपको क्वेश्चन में आएगा कि यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी पॉइंट देगा पी एंड क्यू, कहेगा कि यहाँ पर डायरेक्शन बताओ बी की क्या होगी। कोई आर नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, बस आई की देख, आई को देखते हुए बताओ। तो आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड का थंब करंट के साथ रिप्रेजेंट करना है, ये रहा करंट, ठीक, ये करंट है। तो जहां आपकी चार फिंगर जाएंगी वो बी रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे करंट यहां पर है, इसमें फिंगर्स बोर्ड के अंदर जा रही हैं क्यू पॉइंट में, तो डायरेक्शन बी की इनसाइड है। और अगर बोर्ड से फिंगर्स घुमा के मैं बाहर ले आऊं, इमेजिन करो, तो ये पी से फिंगर्स कहां निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, तो डायरेक्शन कहां आएगी, आउटसाइड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो कुछ नहीं कर रहा, राइट हैंड थंब करंट के साथ ये फिंगर्स आपको बी देंगी। जैसे सपोज करो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, किसी ने कहा कि यहां पर बी की डायरेक्शन निकाल के बताओ, तो आपने थंब को करंट के साथ रख लिया, ये पॉइंट यहां पर, ये पॉइंट है, तो बी कहां आएगा, आउटसाइड। किसी ने कहा कि यहां पे दिखाओ, तो थंब करंट के साथ है, तो बी कहां आएगा, इस तरफ, इस तरफ। किसी ने कहा यहां निकाल के दिखाओ, तो वही फिंगर अब यहां जाएंगी, इनसाइड। किसी ने कहा इस तरफ, तो फिर इस तरफ। तो बेसिकली ये फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, इन अ सर्कल, गोल घूम रही हैं। तो इमेजिन करो कि आई एक सर्कल, सर्कल बनाओ मेरे फिंगर्स का, जहां पर भी आपको बी निकालना है वहां पर सिर्फ उस सर्कल के क्रॉस टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, ये मेरी फिंगर्स घूम रही हैं, लेट अस सपोज, बस ये याद रखना कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, अगर करंट नीचे आ रहा है तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, ये भी याद रखना है। तो इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, ठीक। तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, अब या तो बोर्ड के अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। अब फिंगर्स कैसे जा रही है, बोर्ड के अंदर, करंट अगर ऊपर है तो मेरी फिंगर्स ऐसे घूम रही है, ऐसे, तो टेंजेंट अंदर की तरफ जाएगा, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी, इनवर्ड्स। और अगर करंट ऊपर है तो यही फिंगर घूम के बाहर आ रही है पी पॉइंट पे, तो टेंजेंट बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ ने, तो इसमें क्या आएगा, आउटसाइड। और अगर पॉइंट ये है तो कहां आएगा, इस तरफ। और अगर पॉइंट ये है तो कहां आएगा, इस तरफ। तो बेसिकली जहां भी कहेगा बी निकालने को, आप फिंगर्स घुमा के देख लें और जो भी पॉइंट आएगा उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, वही आपका बी माना जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे पूरे लेक्चर में। जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए उसमें आप मुझे बताना कि यहां प्रॉब्लम है, और आगे नहीं चलना, डायरेक्शन सीखनी बहुत जरूरी है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से क्लियर है, अगर करंट ऊपर जा रहा है डीएल में तो ऊपर जा रहा है, कोई भी पॉइंट इस तरफ अगर लाई करेगा तो फिंगर अंदर ही जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इनसाइड ही होगा, तो क्रॉस आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, डायरेक्शन क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें तो अभी लगा के देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी आप खुद लगाना, फिर आपको आइडिया होगा। ठीक, जैसे एक एलिमेंट है, क्वेश्चन है, एक छोटा सा एलिमेंट है डेल्टा एल वेक्टर, डेल्टा एल वेक्टर इज रिटन एज डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप। आई कैप का मतलब ही इटसेल्फ ये है कि डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो डेल्टा एल या डीएल की डायरेक्शन एक्स के अलोंग है, और ये डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 मीटर नहीं है, इसको करेक्शन करो, सेंटीमीटर करो, 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर करो। ठीक, डीएल या डेल्टा एल बहुत बड़ा होता नहीं, अगर आपको बाइट सेवर्ट सौ लगाना है, छोटा होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें। तो डेल्टा एक्स या डीएल जो मैंने बताया, तो एक्चुअल में डेल्टा एक्स कुछ नहीं है, ये डीएल है आपका, जो कि 1 सेंटीमीटर है, और क्योंकि इसकी, इसके पीछे कौन सा कैप है, आई कैप है।
आई कैप का मतलब डीएल की डायरेक्शन कहां पर है अलोंग एक्स एक्सिस, और मैंने आपको रूल बताया कि जिस डायरेक्शन में डीएल होगा उसी डायरेक्शन में आई भी होगा, इसका मतलब करंट भी कहां जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो करंट राइट पे क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि आई कैप चल रहा है, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर के बन है। आपको डीएल, ये डीएल है, ये एरो ये नहीं शो कर रहा कि डायरेक्शन ऊपर है, एरो को कट कर लो, मैं ये बताना चाहता हूं कि डेल्टा एक्स और डीएल वन एंड दी सेम थिंग, तो डेल्टा एक्स डीएल एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? ठीक, क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, आपको बी निकालना है, रादर 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है तो डी भी निकलेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पर ऑन वाई एक्सिस और कितनी हाइट पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर है जिसका डीएल पता है, ये आर हो गया जहां पर आपको बी निकालना है या डी भी निकालना है, और डीएल राइट की तरफ है, आर ऊपर की तरफ है, एंगल इनके बीच में क्या बनेगा डीएल और आर में 90। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एंगल इनके बीच में 90। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाओ बायट सेवेट्स लॉ, डीबी का फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर डीएल पता है 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, करंट आपको पता है, आर आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो पुट करें 10 की पावर -7, करंट पता है 10, डीएल पता है 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो 90, और आर का मतलब 0.5 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके क्या आएगा इतने टेस्ला, तो आंसर आ गया। डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वायर है इसमें करंट कहां जा रहा है टुवर्ड्स राइट, थंब को राइट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स कैसे आएंगी बोर्ड के बाहर, बाहर बाहर का मतलब डॉट, ये सॉल्यूशन का डायग्राम है बेसिकली, इसलिए ऑटोमेटिकली यहां पर क्या लगा हुआ है डॉट, आपको बेसिक डायग्राम में गिवन नहीं होगा डॉट, ये आपको खुद ही बनाना है कि यहां पर डॉट है, डॉट का मतलब आउट ऑफ पेपर, क्योंकि बुक इसको z एक्सिस मानती है तो इसलिए इसने क्या लिख दिया z एक्सिस, पर आप z ना लिखो, आप सिंपल लिख दो आउट ऑफ द पेपर डॉट, दैट्स इट। अगर डायरेक्शन देखने में प्रॉब्लम है तो एक काम कर लो, इस वायर को उठाओ यहां से बोर्ड से, अरे मन यहां से उठाओ और बाहर निकाल लो, ये रही वायर, ये मैंने बाहर निकाल ली, ये रही करंट कहां जा रहा है इस तरफ, फिंगर रखें ये थंब रखें करंट के साथ, यहां पे निकालना है बी ऊपर, तो अगर मैं यहां पे करंट रखूंगा तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट एकदम स्ट्रेट जाएगा आपकी तरफ, तो यानी कि आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है यहां तक कि आउटसाइड की डायरेक्शन कैसे लिखनी है इसमें, नहीं समझ में आ रहा है यहां तक? फिर से ये वायर है, थंब करंट के साथ, पॉइंट कहां पर है ऊपर है, तो ये ऐसे सर्कल घूमेगा यहां पे ऐसे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट कहां जाएगा इस तरफ आउटसाइड, फिंगर देखो आउटसाइड, वैसे तो फिंगर पूरी घूमती है बट टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सीधा एकदम, ठीक है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? ओके, तो नेक्स्ट है बायट सेवर्ट लॉ की क्या प्रॉब्लम है। बायट सेवर्ट लॉ की ये प्रॉब्लम है कि आपको स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी देता है, पर आपको आपके प्रॉब्लम में बड़ी वायर्स गिवन होंगी, लंबी वायर्स गिवन होंगी, आपको टोटल बी निकालना है जिसमें हर एलिमेंट अपना अपना बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, डीबी डीबी डीबी, आपको इंटीग्रेट करके टोटल बी निकालना है। जैसे आपकी बुकलेट के अंदर चलते हैं, बुकलेट के अंदर एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवर्ट लॉ की का टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवर्ट लॉ, पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो मेरे को क्या निकालना है
मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है और स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से. कहने का मतलब अब आपको ना एक स्मॉल एलिमेंट नहीं गिवन होगा, अब आपको पूरी वायर गिवन होगी, जैसे कि स्ट्रेट वायर है, टेढ़ी वायर नहीं है, ये स्ट्रेट वायर है. और लेट अस सपोज आपको इसके परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे नेट बी बताना है इस करंट की वजह से कितना है, ये क्वेश्चन है. तो अब मेरे को बायट सवेट लॉ से क्या आता है, एक स्मॉल एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है यहाँ पे डीबी. तो मैं हर एलिमेंट लूंगा यहाँ पे डीबी 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 एंड डीबी, और मैं क्या करूंगा उन्हें इंटीग्रेट, तो मेरे पास टोटल आंसर आएगा. तो नेट बी या टोटल बी निकालने के लिए सबसे पहले एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, उसका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी आएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी वायर का बी आएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? एनसीईआरटी ये शीट के ऊपर लिखें सबसे पहले हेडिंग, ये स्टार्ट हुई जो शीट, फॉर एनसीईआरटी एंड फॉर कॉम्पिटिशन बोथ, फॉर एनसीईआरटी लिखना है, ठीक आएंगे क्वेश्चन, फॉर एनसीईआरटी एंड कॉम्पिटिशन बोथ, ताकि जब शीट के आगे लिखा होगा तो पता लग जाता है कि इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना बोर्ड्स के लिए, ठीक, फॉर एनसीईआरटी एंड फॉर कॉम्पिटिशन. अब बुकलेट में 81 नंबर पेज पे एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवर्ट्स लॉ, इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर. बुक के अंदर कई बुक्स में या एनसीईआरटी में अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया गया है. मैंने अपनी बुकलेट में अलग तरीका यूज किया है और मैंने हैंड रिटन शीट में अलग तरीका यूज किया है. आप हैंड रिटन शीट को फॉलो करेंगे इसको रहने दें. रीजन, क्योंकि हैंड रिटन शीट का जो प्रूफ है वो आपकी एनसीईआरटी की ब्लू कलर की जो बुक आती है उसमें से लिया गया है, तो वो परफेक्ट माना जाएगा मेरे को लगता है एज अ प्रूफ एनसीईआरटी का. तो रेफरेंस बुक को छोड़ देते हैं, उसी प्रूफ पे चलते हैं. इसके ऊपर लिख लो, फॉर प्रूफ रेफर हैंड रिटन शीट, लिख लो फॉर प्रूफ, लिख लेना इसके ऊपर बुकलेट पे रेफर हैंड रिटन शीट. ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप फाइनल की तैयारी करोगे तो पता लगे इसी को पढ़ना शुरू कर दिया और समझ में आना बंद हो गया, तो लिख देना कि इसका जो प्रूफ है वो हैंड रिटन शीट में से हम फॉलो करेंगे. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो बुकलेट के प्रूफ को हम नहीं देखेंगे, इसकी जगह अब वापस हैंड रिटन शीट पे आ जाओ. ये मैंने प्रूफ लिख दिया, ये लो, ठीक है यहां तक प्रूफ, वो भी ठीक है बुकलेट वाला, पर ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे. कैसे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझो कि आप स्मॉल एलिमेंट तो कंसिडर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है क्योंकि करंट ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डीएल की वजह से यहां पर डीबी की वैल्यू निकाल लोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चलेगी, लेंथ. तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे लिमिट्स किसकी लगानी है, लेंथ ऑफ द वायर. प्रॉब्लम ये है कि आपके क्वेश्चंस में लेंथ ऑफ द वायर गिवन नहीं होती, तो फिर लिमिट क्या लगाओगे पता नहीं. तो आपको लेंथ की जगह क्या गिवन होता है, आपको लेंथ की जगह यहां पर ये लोअर एंड का एंगल गिवन होगा. लेट अस सपोज ये एंगल कितना है 51, और आपको अपर एंड का ये एंगल गिवन होगा कितना 52. तो आपको इस लाइन से ए डिस्टेंस से नीचे का एंगल गिवन है 51, ऊपर का एंगल गिवन है 52. तो आपकी वायर 51 से 52 तक एंगल सबटेंड कर रही है. तो लेंथ देने की बजाय वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इन एंगल से अपने इंटीग्रेशन सॉल्व करो, लेंथ वो नहीं देगा. तो यानी कि इंटीग्रेशन अगर डी एल की जगह डी फाइव की टर्म में होती वो ज्यादा बेटर थी, क्योंकि एंगल्स की लिमिट लगानी हमारे लिए ईजी हो जाती. तो ये जो तीन चार स्टेप देख रहे हो ना, तीन चार स्टेप में कुछ नहीं कर रहे हम, डीएल को डी फाइव में कन्वर्ट करने वाले हैं और कुछ नहीं कर रहे. मैथ्स में जिनकी इंटीग्रेशन हो चुकी है तो उनको कन्वर्जन भी सिखा दी होगी कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. जिनको नहीं हुई वो मैथ्स के टीचर इंटीग्रेशन में सिखा देंगे आपको, और मेडिकल में जरूरत नहीं है, बस दो स्टेप्स हैं, ऐसे काम खत्म, याद करो, डन करो. ठीक, तो सबसे पहले काम करेंगे इसके लिए, सबसे पहले ये एक वायर है, मुझे यहां पर बी निकालना है. मैंने वायर का एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इधर ध्यान आगे, स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, डीएल की डायरेक्शन ऊपर ली क्योंकि करंट कहां जा रहा है, ऊपर. ऊपर वाले एंड ने एंगल सबटेंड किया फाइ टू इस लाइन के साथ, नीचे वाले एंड
ने कितना एंगल सबटेंड किया, फाइव वन नीचे वाले के साथ। कोई डाउट इसमें? फाइव वन फाइव टू क्लियर है। इस एलिमेंट की दूरी इस पॉइंट से आर है, इट इज अ वेक्टर आर वेक्टर, ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, और लेट अस सपोज डीएल और आर में एंगल कितने हैं, थीटा। अब डिपेंड करता है कि आर ये एलिमेंट कहां पर है, ये एलिमेंट जहां पर भी होगा आर की वैल्यू विल चेंज, यहां होगा आर कम हो जाएगा, यहां होगा आर ज्यादा होगा, ठीक। पर आर डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि बायट सर्वेट लॉ में आर चाहिए होता है मुझे, मैंने कंसिडर कर लिया अपने मन से, और ये एलिमेंट की दूरी मैंने यहां से कितने डिस्टेंस पे ली थी, एल। अब एल डिस्टेंस पे डीएल एलिमेंट लिया और इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, आर। ये एलिमेंट इस लाइन के साथ यहां पर एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, छोटे वाला, फाइ। फाइ चेंज हो सकता है, कैसे? अगर ये एलिमेंट नीचे होगा तो ये वाला एंगल फाइ बड़ा हो जाएगा, अगर ये एलिमेंट थोड़ा ऊपर होगा तो ये फाइ एंगल छोटा हो जाएगा। तो फाइ एंगल किसने सबटेंड किया, एलिमेंट डीएल ने सबटेंड किया। क्लियर है यहां तक? फाइ वेरिएबल है। हाँ, फाइ की वैल्यू अगर फाइव वन पुट करेंगे, फाइ अगर ये एंगल फाइव वन के इक्वल हो जाता है तो एलिमेंट लोअर एंड पर है, और अगर फाइ की वैल्यू फाइव टू हो जाती है यानी कि एलिमेंट अपर एंड पर है। तो फाइ की वैल्यू आपको बता देती है, तो लिमिट्स हम फाइव वन फाइव टू में कन्वर्ट करेंगे, पर अपना हम काम किस में करेंगे, फाइ की टर्म में, वेरिएबल हमारा एंगल वेरिएबल हो गया कितना, फाइ। तो कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं, पर आपको एंगल्स समझ में आ गए, एक फाइव वन एक फाइव टू और एलिमेंट का ये वाला एंगल कितना, फाइ, ठीक। और ये डिस्टेंस ए और ये आर और ये एल। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बायट सर्वेट लॉ से इस डीएल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर डीबी में क्या होगा वो निकाल लेना है। तो लगाओ बायट सर्वेट लॉ, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पहला स्टेप सबको क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखो इस छोटे ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल यहां पे देख लो, इस ट्राइंगल में एंगल कितना है, 90, तो यानी कि फाइ प्लस थीटा का सम भी क्या हो जाएगा, 90। तो फाइ प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाइ। इस थीटा को यहां पुट कर देते हैं, तो मैंने पुट कर दिया 90 माइनस फाइ। मैथ्स में साइन ऑफ 90 माइनस फाइ कैन बी रिटन एज कॉस फाइ। तो मेरा फॉर्मूला थीटा की जगह कॉस फाइव में कन्वर्ट हो गया, तो यहां तक ये टर्म आ गई। अब मैं दो टर्म्स को रिप्लेस करूंगा, जो सर्कल है डीएल एंड आर, क्योंकि आर चेंज हो रहा है, और डीएल की वैल्यू को भी मैं इसलिए चेंज करना चाहता हूं क्योंकि मैं इंटीग्रेशन डीएल में चलाना नहीं चाहता, बिकॉज मेरे को लेंथ नहीं गिवन। मैं डीएल को डी फाइव में कन्वर्ट करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने इंटीग्रेशन एंगल्स में चलाना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे उसको दो मिनट देखें। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल में ही, इस ऊपर वाले सेम ट्राइंगल में कॉस फाइव बोलो क्या होगा, कॉस फाइव, ये फाइव एंगल है ये वाला छोटे वाला, कॉस फाइव इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस फाइव की वैल्यू क्या आएगी, ए डिवाइडेड बाय आर। पहला स्टेप क्लियर है? तो ये स्टेप सबको समझ में आया, कॉस फाइव इज ए बाय आर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डिवाइडेड बाय कॉस फाइव। वन बाय कॉस फाइव क्या होता है, सीकेंट फाइव, आर की वैल्यू आ गई। अभी क्लियर है यहां तक? आर निकाल के रख लिया, अब दो मिनट देखना, दो ही स्टेप्स हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, आर आ गया। अब एक काम करते हैं, इसी ट्राइंगल में बोलो टेन फाइव क्या होगा, टेन फाइव इज एल डिवाइडेड बाय ए, टेन फाइव इज एल बाय ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल इज इक्वल टू ए टेन फाइव। तो ये एल और ए की वैल्यू आ गई, पर मेरे को तो मेरे क्वेश्चन में डीएल गिवन है, तो एक काम करते हैं एल को डीएल बनाने के लिए दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट, तो एल की जगह डीएल, डीएल ए, मेडिकल के स्टूडेंट ध्यान से देखें, टेन फाई की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर फाई, आपको याद करना पड़ेगा मेडिकल वालों को, और इनटू एंगल की डिफरेंशिएशन डी फाई। नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा होगा डिफरेंशिएशन, क्या पॉइंट क्लियर है? मेडिकल वालों को याद करना पड़ेगा कि टेन फाई की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर फाई। और बन क्लियर है यहां तक? बस ठीक है, हो गया फिर सॉल्व। डीएल आ गया, आर आ गया, इस आर को, इस पूरी वैल्यू को यहां, और डीएल को, इस पूरी वैल्यू को न्यूमिनेटर में। तो इस डीएल की वैल्यू को जब ऊपर पुट करेंगे तो म्यू नॉट बाय फोर पाई आए डीएल की जगह ए सीकेंट स्क्वायर फाइ इंटू कॉस फाइ इंटू डी फाइ, ये पुट कर दिया,
और डिनोमिनेटर में आर की जगह कितना ए सीकेंट फाई का होल स्क्वायर, तो पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, आप इसमें पुट कर लेना, इस डीएल को पूरे को यहां पुट करना, कॉस फाई तो फिर भी चलेगा इसमें, तो इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई, एक ए से एक ए कैंसिल, सीकेंट स्क्वायर से पूरा सीकेंट स्क्वायर कैंसिल, सिंप्लीफाई करके बस ये बन गया आपके पास, चेक कर लो। तो इस क्वेश्चन में म्यू नॉट बाय 4 पाई इज अ कांस्टेंट, आई इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, तो बस छोटे से दो वेरिएबल हो गए, एक फाई और एक डी फाई, तो आपकी इंटीग्रेशन डीएल की बजाय किस में चलनी स्टार्ट हो गई, डी फाई में। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि ये थोड़ी कैलकुलेशन करके हमने अपने रिजल्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक। जो भी आज का लेक्चर होगा, अगली बार उसका टेस्ट भी है, ये डेरिवेशन लिख के दिखानी है आपने, और आज के इसमें लेक्चर में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसके दो न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, आपको करके दिखाने हैं, साथ साथ करेंगे काम खत्म। चलो ठीक, देखो कंटिन्यू करते हैं। डीबी का फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया, अब बारी है लिमिट लगाने की, क्योंकि ये डीबी एक छोटे एलिमेंट की वजह से है, लिमिट लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। अगर ये आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन है इसके साथ जहां पर मुझे बी निकालना है, और नीचे का एंड का एलिमेंट का एंगल कितना है फाइव वन, और टॉप एंड का कितना है फाइव टू, इस लाइन ए जहां पर ए है, इस लाइन के नीचे का एंगल की लिमिट लगेगी नेगेटिव, और इस लाइन के ऊपर के एंगल की लिमिट लगेगी पॉजिटिव, क्योंकि वायर का एक हिस्सा नीचे है एक हिस्सा ऊपर है, और नीचे के लिए साइन लगेगा माइनस फाइव वन से, एलिमेंट कहां तक जाएगा प्लस फाइव टू, पूरी की पूरी वायर कवर हो जाएगी माइनस फाइव वन से लेके प्लस फाइव टू, ये स्टेप याद रहेगा, याद रखना फाइव वन से फाइव टू नहीं, माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, एक बार अपर लिमिट फाइव टू, एक बार लोअर लिमिट माइनस फाइव वन, तो माइनस करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क करें कि अगर आज के बाद आपको एक वायर गिवन है, वायर के एंड के एंगल्स गिवन है फाइव वन फाइव टू, तो बी का ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बोलो बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसमें, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं अभी,
डायरेक्शन कैसे निकलेगी भी बताऊंगा। बी का मैग्नीट्यूड तो क्लियर है बिना डायरेक्शन के। अब मैं सारे केस बना के लाया हूँ ना आपके, मैं चिंता ना करो, जो आप पूछोगे मैं लिख के लाया हूँ सारे, ठीक। देखो जैसे जैसे सपोज आपको क्वेश्चन आएगा कि सपोज ये आई अमाउंट ऑफ करंट है, मान लो कितना है 10 एम्पियर है। देखो कैसे लगेगा ये, आपको क्वेश्चन में निकालना है ए इज इक्वल टू 1 मीटर दूर आपको नेट बी निकालना है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। आपको लोअर एंड का एंगल क्वेश्चन में गिवन है, लेट अस सपोज फाइ 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आपको अपर एंड का भी ये एंगल गिवन है, लेट अस सपोज फाइ 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप बी क्या निकाल लेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए साइन ऑफ, फॉर्मूला क्या है, फाइ 1 प्लस साइन ऑफ कितना, फाइ 2। तो बी की वैल्यू 10 की पावर -7, करंट की जगह 10, ए की जगह 1, साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ कितना 45। इतने टेस्ला आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो कई लोग कह रहे थे दूसरे बैच में कि माइनस लगाओ -30, नहीं माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लिमिट में माइनस ले चुके हैं, इसलिए फॉर्मूले के अंदर बस एंगल पुट करने हैं, नीचे का एंगल 30 ऊपर का 45। क्लियर है। अब आप डायरेक्शन की बात कर रहे थे, मैंने करंट को कहां लिया, ऊपर, तो डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन थंब करंट के साथ बी कहां एक्ट करेगा, इनसाइड, ऊपर, थंब ऊपर, फिंगर्स ऐसे घूमेंगी तो इसमें घूमती हुई ऐसे जाएंगी सर्कल की तरह, तो इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इनसाइड, आंसर इनसाइड आएगा। लेकिन अगर करंट ऑपोजिट होता ऐसे तो फिर डायरेक्शन कहां आती, आउटसाइड। तो करंट की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन की को चेंज कर सकती हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकती। तो मैग्नीट्यूड निकालना आ गया सबको, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक है। ठीक, अब एक स्पेशल केस है, अगर आपकी वायर ऊपर और नीचे दोनों से इनफाइनाइट लेंथ की होती, जैसे इधर देखो सपोज ये वायर है, ये इसमें करंट आई है, और सपोज ये एंगल मैंने लिया 60 डिग्री, और ये एंगल लिया 30 डिग्री। मुझे एक सिर्फ ये बात बताओ कि अगर इस वायर की लेंथ थोड़ी बड़ी होती तो ये एंगल बढ़ जाता, मान लो 70 डिग्री, और लेंथ बढ़ाओ 80 डिग्री, और लेंथ बढ़ाओ 85 डिग्री, और लेंथ बढ़ाओ 88 डिग्री, और लेंथ बढ़ाओ 89 डिग्री, और लेंथ बढ़ाओ लास्ट वैल्यू 90 डिग्री। 90 का मतलब ये होता है कि अब मिलती होंगी जाके इन्फिनिटी पे। तो अगर वायर की लेंथ एक तरफ से इनफाइनाइट है तो बस आप ये लगा के चलो कि ये हाथ आपका मिलने वाला नहीं है वहां पे, यानी कि इसके पैरेलली जाने वाला है ऑलमोस्ट, तो इसलिए इन्फिनिटी के लिए एंगल क्या लिया जाएगा, 90 π/2। तो ये तो नीचे से भी इन्फिनिटी और ऊपर से भी इन्फिनिटी है, तो नीचे का एंगल भी π/2 और ऊपर का भी π/2। तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे π/2 π/2, ये 1 होता है sin 90 sin 90 1 1 + 1 2। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क करो। इनफाइनाइट वायर पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इनफाइनाइट वायर का ए डिस्टेंस पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू नॉट बाय 4π 2i/a। क्लियर यहां तक? और अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए, एक नंबर में आता है ये, या ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है ये, बी का और ए का ग्राफ क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली हाइपरबोला बनेगा बी और ए का, ये ग्राफ मार्क करना है। तो ये भी क्लियर है यहां तक? अब जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट केस कंसिडर किए हैं मैंने इसमें, जैसे पहला न्यूमेरिकल आ सकता है, मुझे पता नहीं क्या आएगा, बट मैं अपने मन से सारे केस बना के लाया हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर आई अमाउंट ऑफ करंट है और डॉट 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 का मतलब इन्फिनिटी है, वैसे तो अगर एंगल मेंशन ना होना तो वायर इनफाइनाइट ही मानी जाती है। तो चलो ये इन्फिनिटी है, लिख लो चाहे इन्फिनिटी,
और ए डिस्टेंस पे एक एंगल कितना है 30। तो अगर अब मुझे बी निकालना है यहां पर, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, बोलो एक एंगल नीचे का क्या लेंगे 30 और ऊपर का क्या लेंगे 90, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए यहां पर क्या लगेगा 90। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, नीचे का एंगल 30, ऊपर का एंगल 90, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट, अगर सपोज करो ये करंट कैरिंग वायर है और एक बार फिर से ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, अरे मन क्लियर है, ये इन्फिनिटी है और मेरे को भी यहाँ पे निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, वायर यहीं से स्टार्ट हो रही है, अगर ये वायर नीचे होती तो फाइव वन होता और फाइव टू 90 होता, अगर ये वायर नीचे होती तो आप इस लाइन के नीचे का एंगल लेते, पर यहां तो नीचे है ही नहीं, तो एक एंगल एकदम क्या हो गया जीरो, फाइव वन इसमें बनेगा ही नहीं क्योंकि ये वायर इस लाइन के नीचे गई ही नहीं, तो एक एंगल तो हो गया जीरो लेकिन दूसरा नाइन इन्फिनिटी की वजह से क्या चलेगा 90। तो इसलिए अगर बिल्कुल लाइन में पॉइंट है जहां पर बी निकालना है तो एक एंगल जीरो चलेगा और एक एंगल 90 चलेगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है, ठीक निकल क्लियर है, जीरो और 90 सबको समझ में आ रहा है। अब सपोज करो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, पहले ये कर लेते हैं, इसके अंदर सपोज आपके पास ये एक वायर है, ये वायर में आई करंट है और आपको ना बी यहां पे निकालना है, ये रहा क्वेश्चन, सच दैट आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितना गिवन है ए। तो पहले तो एक इसमें ये देख लो कि ये वाली लाइन ए नहीं है, ये लाइन ए है, तो चाहे क्रॉस करके नीचे वाला ए बनाओ ताकि ये डायग्राम बना लो अलग से ताकि आपको याद आ जाए कि ये ए है और ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये कोई वायर नहीं है, वायर यहां से स्टार्ट है और वायर ऊपर तक जा रही है और वायर ऊपर तक जा रही है और ये यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रही है लेकिन पॉइंट नीचे है। तो इस केस में सबसे पहला पॉइंट कि जो मैं एंगल्स लूंगा एक वायर के साथ एंड पे, सपोज एंगल कितना है यहां पर 51 और एक एंड के साथ ये वाला एंगल सपोज कितना है 52। तो डायग्राम समझ में आ रहा है, तो लोअर एंड के साथ एंगल 51, अपर एंड के साथ एंगल 52, जो हमारी डेरिवेशन जो हमने की उस डेरिवेशन में ए वाली जो लाइन है उसके साथ हमने एक एंगल नीचे लिया और एक एंगल हमने ऊपर लिया था, तो जो बेसिक डेरिवेशन है ऊपर वो उसका डायग्राम ये था कि ए लाइन के साथ वायर का कुछ हिस्सा नीचे कुछ हिस्सा ऊपर, तो हमने लिमिट्स क्या लगाई थी माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू। माइनस साइन क्या शो करता है कि एक वायर का पार्ट इस ए डिस्टेंस से नीचे है और एक ऊपर है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में इस ए डिस्टेंस से दोनों वायर के पार्ट ऊपर है, तो जो डेरिवेशन हमने की उसके लिए ये रिजल्ट चलेगा नहीं, हमें एक काम करना पड़ेगा, जब हम डराइव कर रहे थे तो ये लाइन नंबर वन हमने डीबी से इंटीग्रेशन का ये फंक्शन निकाला था आई बाय ए कॉस फाइव वाला, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर आई बाय ए कॉस फाइव, पर जो लिमिट्स पुट करूंगा अब मैं माइनस फाइव वन से फाइव टू नहीं पुट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा प्लस फाइव वन से प्लस फाइव टू। प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों के दोनों वायर के एंड इस ए डिस्टेंस से ऊपर है, और अगर दोनों एंड नीचे होते तो फिर दोनों फाइव वन फाइव टू क्या हो जाते नेगेटिव, एक नीचे एक ऊपर तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये स्टेप क्लियर है पहला, तो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसमें, तो कॉस फाई की इंटीग्रेशन होती है साइन फाई, करेक्शन करो प्लस साइन फाई करेक्शन है, यहां पर माइनस नहीं है यहां पर करो प्लस साइन फाई, प्लस है आप में वो अभी मैं करेक्शन करके आया हूं दूसरे बैच से, आपको नई असाइनमेंट मिली होगी, बाकी जिनके करेक्शन हो चुकी है वो ठीक है, जिनके नहीं हुई वो प्लीज प्लस करें, मैंने कर दिया करेक्शन वैसे, तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं हो सकता है आप में से करेक्शन ना मिले, मैंने कर दिया करेक्शन, ठीक। तो प्लस साइन फाइव क्लियर है यहां तक, कर ली करेक्शन एक बार, और ये भी प्लस करो, ये भी प्लस करो, ठीक ये भी प्लस करो, ये वाला दोनों प्लस प्लस हो गए। तो देखो साइन फाइव में एक बार फाइव की जगह अपर लिमिट साइन फाइव टू, एक बार लोअर लिमिट साइन फाइव वन, ये माइनस नहीं आएगा ये प्लस हो जाएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है।
और नीचे भी इसको फाइव टू कर लो, इसको फाइव वन कर लो, इसको वन करो, इसको टू करो, तो ये फाइनल आंसर आएगा आपके एक्सप्रेशन का। मैंने ये फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ, सच बताऊं, मेरे को ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इंटीग्रेशन से वो याद किया हुआ है, मैं वहीं से कर दूंगा सॉल्व। आप याद करना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं तो वहां से इंटीग्रेट कर सकते हो तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। मेडिकल वाले नॉर्मली याद कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंटीग्रेशन को अवॉइड करते हैं, नॉन मेडिकल वाले तो वहीं से बना ही लेंगे अपने आप ही। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है ऊपर वाला, इस क्वेश्चन के अंदर ये वायर है, इसमें करंट बनाना प्लीज, आए ऊपर की तरफ, आए करंट कैरिंग वायर है तो यहां आए बनाओ, ठीक। तो ये आई करंट है और ये इन्फिनिटी है पाई बाय टू, ये इन्फिनिटी ड्रॉ को, तो यहाँ पे भी निकालना है, तो लोअर एंड का एंगल कितना है, फाइव वन पाई बाय थ्री, और एक एंगल क्या बनेगा, पाई बाय टू। तो वही फंक्शन फिर से लिखेंगे, लिमिट क्या लगेगी, प्लस पाई बाय थ्री से प्लस पाई बाय टू, या तो वो फॉर्मूला जो पीछे बनाया उसमें वैल्यू पुट कर दें या फिर ऐसे कर लें। तो कॉस फाई की इंटीग्रेशन करेक्ट करें प्लस साइन फाई, कॉस फाई की इंटीग्रेशन करेक्ट करें प्लस साइन फाई, और ये माइनस की जगह भी करें प्लस प्लस, तो एक बार अपर लिमिट फाई की जगह पाई बाय टू, एक बार लोअर आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आपको कुछ याद नहीं करना, बस वो फंक्शन बन गया, आपका आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें क्लियर है? ठीक। एक बार इस क्वेश्चन को देखें और खुद सोचें कि अगर ये इनफाइनाइट वायर है जिसमें I2 अमाउंट ऑफ करंट है, ये इनफाइनाइट वायर है जिसमें I1 अमाउंट ऑफ करंट है, मुझे P पॉइंट पर B निकालने नेट क्या होगा, और इस वायर से ये डिस्टेंस कितना गिवन है A, इस वायर से ये डिस्टेंस कितना गिवन है P, ठीक। और इसमें गिवन एक और चीज कर लें, गिवन लिखें I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2, जिनको नई असाइनमेंट मिली है वहां लिखा हुआ है I1 इज इक्वल टू I2, जिनकी पुरानी है वो प्लीज करेक्शन कर लें या लिख लें I1 इज इक्वल टू I2, ठीक ठीक है। तो दो मिनट खुद सोचें, B की वैल्यू क्या होगी दो वायर्स की वजह से, B की डायरेक्शन क्या होगी दो वायर्स की वजह से, फिर डायरेक्शंस को देखते हुए नेट वेक्टर सम क्या होगा, ये आपको सोचना है।
को ये क्वेश्चन समझ में आ गया और ये समझ में आ गया कि आखिरी स्टेप गलत है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये I1 करंट है, इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर I1 करंट से पर इसको भूल जाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर ए डिस्टेंस पे बी का फॉर्मूला, दोनों तरफ से इंफिनिटी है वायर, तो म्यू नॉट बाय 4π2I1 डिवाइडेड बाय ए, डायरेक्शन बाद में देखते हैं। ऐसे ये इनफाइनाइट है, इसके बी डिस्टेंस ऊपर म्यू नॉट बाय 4π2I2 डिवाइडेड बाय बी, तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला I1 के साथ और I2 के साथ ये वैल्यूज आ गई। डायरेक्शन देख लें, इसमें करंट ऊपर है तो थंब ऊपर, P पॉइंट पर फिंगर्स इनसाइड जाएंगी तो B1 का कंट्रीब्यूशन इनसाइड होगा, इनसाइड, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो कंट्रीब्यूशन B का कैसे होगा, आउटसाइड, करंट ऐसे जा रहा है फिंगर्स बाहर आएंगी आउटसाइड, तो इसका कंट्रीब्यूशन इनसाइड, इसका कंट्रीब्यूशन आउटसाइड, यानी कि P पॉइंट पे एक वेक्टर बनेगा इनसाइड, एक वेक्टर बनेगा आउटसाइड, तो एक वेक्टर बाहर एक अंदर, तो नेट वैल्यू क्या होगी, बड़े में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि मैंने इसमें I1 I2 के इक्वल करवाया आपको, तो न्यूमिनेटर दोनों का एग्जैक्टली सेम है, पर क्वेश्चन में गिवन है कि बी छोटा है ए से, अगर बी छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो B2 ग्रेटर देन B1, तो नेट आंसर क्या होगा, B2 माइनस B1, इस लाइन को कट कर लो, ये गलत है आंसर, नेट आंसर आएगा बी का B2 माइनस B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π कॉमन 2 टाइम्स I2 डिवाइडेड बाय B 2 टाइम्स I1 डिवाइडेड बाय A, ये आंसर आएगा। आखिरी लाइन को कट कर लेना, जिनकी असाइनमेंट नई है उनमें तो मैंने कट कर ही दिया, और जिनकी पुरानी है वो प्लीज करेक्शन कर लें, ठीक, तो ये आंसर आएगा। हाँ लिख सकते हैं, जरूरत क्या है, वो तो ऑप्शन देख लेंगे अपने आप ही। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? और क्योंकि आपने B2 में से B1 को क्या किया है, माइनस, B2 की डायरेक्शन कहाँ थी, आउट, और B1 की इन, तो नेट आंसर भी कहाँ होगा, आउट, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं और बड़े की डायरेक्शन कहाँ है, आउट, तो नेट आंसर भी आउट होगा। क्लियर है यहाँ तक? वेक्टर लॉ ही लगाया ये, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर में सब्ट्रैक्शन लग गया, दो अलग ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो गए, हाँ सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो इनफाइनाइट वायर्स गिवन है, एक वायर ये गिवन है 1, एक वायर 2 गिवन है, आपको करंट की वैल्यू गिवन है 20 एंड 30, आपको डिस्टेंसेस गिवन है, आपको दोनों, देखो दोनों वायर्स बी में कंट्रीब्यूट करेंगे और दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, आपको नेट बी बताना है पी पॉइंट पे, आपने नेट बी बताना है क्यू पॉइंट पे, और नेट बताना है आर पॉइंट पे, तो 2 मिनट लो और देखो ये कैलकुलेशंस कैसे की हैं, और फिर आर वाला केस आप खुद सॉल्व करोगे, पहले आप एक बार B1 और B2 की वैल्यू देखें और पी पॉइंट को सॉल्व करें कि जब मुझे नेट बी की वैल्यू कहां निकालनी है, एट पी निकालनी है।
देखो सबसे पहले फर्स्ट वायर की बात करते हैं, 20 एम्पियर वाली वायर। पहले वैल्यूज की बात करते हैं। 20 एम्पियर की इनफाइनाइट वायर यहां पर बी में कंट्रीब्यूट करेगी। फॉर्मूला बी का इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय ए क्या हो जाएगा इसमें 10। 10 को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है यहां तक। और डायरेक्शन में क्योंकि करंट इसमें कहां जा रहा है ऊपर, और हमने इसका कंट्रीब्यूशन कहां निकालना है पी पे, थंब ऊपर, डायरेक्शन कहां आएगी इसकी आउटसाइड। क्या स्टेप क्लियर है? थंब करंट के साथ, फिंगर्स अगर घूमेंगी यहां से घूम के पी पॉइंट से बाहर आएंगी तो आउटसाइड। पहला स्टेप क्लियर है। अब सेकेंड वायर भी यहां पर बी लगाएगी। सेकेंड वायर की दूरी इस पॉइंट से कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो B का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कोई डाउट इसमें? तो डायरेक्शन क्योंकि करंट इसमें नीचे है, पॉइंट इस तरफ है, तो अगर मेरी फिंगर थोड़ी बड़ी होती मैं ऐसे करके दिखाता, देखो इसमें इनसाइड है क्योंकि करंट नीचे है, बी इसमें इनसाइड है। तो ये स्टेप भी क्लियर है। तो एक वैल्यू इनसाइड है, एक आउटसाइड है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस। तो इसमें से बड़ा बी वन निकलेगा, छोटा बी टू निकलेगा, माइनस करेंगे आंसर आएगा। क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस किया और बड़ी वाली वैल्यू कहां पर है? आउटसाइड। तो नेट आंसर भी कहां आएगा? आउटसाइड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब सेम क्वेश्चन करना है लेकिन एट पॉइंट क्यू। अब क्यू पॉइंट पे 20 एम्पियर क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10, और ये कितना करेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10। डायरेक्शन देख लें, इसकी वजह से करंट नीचे है, तो यहां पर बी कैसे आएगा? इनसाइड। करंट नीचे है, पॉइंट यहां पर है तो इनसाइड, और इसमें करंट ऊपर है, पॉइंट इस तरफ है, तो बी कैसे आएगा? इनसाइड। इसने भी इनसाइड दिया, इसने भी इनसाइड दिया, दोनों इनसाइड इनसाइड जा रहे हैं वेक्टर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड। अगर आउटसाइड आउटसाइड जा रहे होते तो भी ऐड, आउट इनसाइड इनसाइड जा रहे हैं तो भी ऐड, आउटसाइड इनसाइड जा रहे होते तो सब्ट्रैक्ट। वेक्टर का रूल लग रहा है इसमें। क्या पॉइंट क्लियर है कि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इनसाइड है? अब दो वेक्टर जब इनसाइड जाएंगे तो आपस में ऐड होंगे, नेट आंसर इनसाइड आएगा, ऐड कर देना। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? और अगर आर पॉइंट पे निकालना है तो निकाल लोगे, ठीक। तो डायरेक्शन बता दो सिर्फ, वैल्यू तो निकल जाएगी। यहां पे करंट नीचे है, आर पॉइंट में इसका कंट्रीब्यूशन आउटसाइड, इसमें करंट ऊपर है तो इसकी वजह से इनसाइड। करंट ऊपर है, करंट हाथ ऐसे ऐसे जाएगी फिंगर्स, मतलब यहां के जितने भी पॉइंट है एक ही बात है, इनसाइड। तो इसका कंट्रीब्यूशन इनसाइड, इसका कंट्रीब्यूशन आउटसाइड। तो फिर बी वन में से बी टू या बी टू में से बी वन को क्या करेंगे? माइनस। मेथड सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्शन करना है एक, फाइंड डिस्टेंस एक्स करो यहां पे, आर नी एक्स, फाइंड डिस्टेंस एक्स, आर गिवन है, और यहां भी करेक्शन करो आंसर में, ये एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आंसर है, एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। देखो नॉर्मली मैंने आपको यह बताया कि डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। यहां पर कुछ और मतलब है, यहां पर दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये वायर्स हैं। इस वायर में करंट बाहर आ रहा है इनफाइनाइट, इस वायर में करंट इनसाइड जा रहा है इनफाइनाइट। तो आप इमेजिन करेंगे कि इसमें करंट बाहर आ रहा है, इसमें करंट इनसाइड, ये पैरेलल वायर्स ऐसे पड़ी हुई हैं, जिसका डायग्राम आपको ऐसे बना दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये वायर्स हैं। बोलो, पता लगेगा उसमें लिखा हुआ साइड पे आई वन आई टू, वो तो एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा कि बी का क्रॉस है, डॉट है या करंट का फिर तार कहां से, वायर कहां है फिर बताओ, फिर आपको वायर नहीं मिलेगी, आपको वायर कहां है फिर कहूंगा देखो आई वन आई टू वो वायर, देखो कहीं तो आप फंस ही जाओगे ना। तो तो
तो बेसिकली आप इसमें एक्सपीरियंस से पता लग ही रहा है आपको, लिखा हुआ है मैंने स्टेटमेंट में लिखा, मैं तो स्टेटमेंट आधी लिखी है, इतना बड़ा क्वेश्चन था कौन लिखेगा, तो उसमें लिखा हुआ था कंसिडर टू इनफाइनाइट वायर्स, एक में करंट आउट आ रहा है एक में करंट इन आ रहा है, तो उसमें लिखा होता है, तो मतलब स्टेटमेंट में ही लिखा होता है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन है कि एक वायर में करंट इनसाइड जा रहा है आई वन, एक वायर में करंट आउटसाइड आ रहा है आई टू, मुझे सिर्फ यह बताओ कि क्या इसके बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर ये भी बी कंट्रीब्यूट करे, ये भी बी में कंट्रीब्यूट करे और नेट आंसर जीरो आ जाए। करके देखते हैं, करके देखते हैं। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी फीलिंग आ रही है, दो चार्जेस है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां नेट ई जीरो हो जाए, दो वायर्स हैं, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां नेट बी जीरो हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा आसान था, उसमें ना दिखता है प्लस प्लस वन रखो इधर उधर दिख जाता है, इसमें तो रूल लगाना पड़ेगा डायरेक्शन। देखो कैसे, इमेजिन करो एक मिनट के लिए, मान लो ये पॉइंट आ गया जहां पर नेट बी जीरो है। नेट बी जीरो कब आएगा, जब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ऊपर है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे है और आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि टू वेक्टर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आपस में कैंसिल करेंगे तभी आंसर आएगा। करके देखते हैं, इसकी डायरेक्शन करंट की कहां है, बाहर है, तो थंब ऐसे कर लिया, ये रहा थंब, तो मैं अपने फिंगर्स को घुमाऊं या डायरेक्शन देखूं कहां पर होगी बी की, ये मेरी फिंगर्स हैं, ये घूम रही है देखो, ये रही फिंगर्स ऐसे घूम गई, फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं क्योंकि करंट बाहर है, तो ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे घूम रही है, तो टेंजेंट भी यहां पर कहां बनेगा, नीचे बनेगा, तो बी टू वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। कोई डाउट इसमें, तो मैं अपने इन फिंगर्स को जरा मिटा लूं, नहीं चाहिए मुझे, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब फिर देखते हैं इसमें करंट कैसे है, इनसाइड है, तो थंब इनसाइड है, मैं अपने फिंगर्स फिर घुमाता हूं इनसाइड में, देखो इनसाइड है, ये मेरी फिंगर्स हैं, कैसे घूमे नीचे, तो वेक्टर भी कहां ड्रॉ करेंगे इसमें, नीचे, तो बी वन वेक्टर भी एग्जैक्टली कहां आएगा, नीचे। कोई डाउट इसमें, करके देखो इसमें, इसमें करंट ऐसे है तो फील्ड नीचे, इसमें करंट ऐसे है तो भी फील्ड नीचे, दो वेक्टर नीचे की तरफ है, आपस में कभी भी कैंसल नहीं कर सकते, तो यानी कि कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस दोनों वायर के बीच में जहां पर नेट भी जीरो हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही ठीक था, प्लस प्लस रिपेल रिपेल ये नहीं ठीक, ये थोड़ा ज्यादा दिमाग कंज्यूम करता है, तो पहले आपको देखो सारी गेम डायरेक्शन की तो है, इनफाइनाइट वायर का क्वेश्चन का फॉर्मूला तो हर किसी को आता ही है, मेन प्रॉब्लम है डायरेक्शंस आइडेंटिफाई हो जाए, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस घर पे जाके किसी करनी है सिर्फ डायरेक्शंस की। क्लियर है यहाँ तक, तो दोनों भी नीचे की तरफ है तो कैंसिल नहीं हो सकते। अच्छा अब सेम क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि क्या यहां पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, चेक करें, चेक करते हैं, इधर ध्यान आगे, इसमें करंट कहां जा रहा है, बाहर, तो करंट अगर बाहर जा रहा है तो मेरी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी इसमें ऐसे, ठीक, तो मैं अपने फिंगर्स का निशान बना लूं यहां पे ऐसे घूमेगी, और कैसे, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो यहां पर टेंजेंट कहां बनेगा, ऊपर, तो बी टू वेक्टर कहीं यहां बनेगा, राइट, इसमें करंट कहां जा रहा है, इनसाइड, तो फिंगर्स के निशान बनाऊं डॉट डॉट डॉट, यही बना लेते हैं सेम, लेकिन डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की नीचे, नीचे ऐसे, तो नीचे का मतलब वेक्टर कहां बनेगा, नीचे। हाँ बात बन सकती है, क्योंकि एक वायर बी ऊपर शो कर रही है और एक नीचे, दे कैन बी कैंसल्ड, कोई डाउट इसमें, तो इसीलिए क्वेश्चन के डायग्राम को ध्यान से देखो, दो वायर्स आर डिस्टेंस अपार्ट है, उसने कहा कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो एक्स डिस्टेंस पे जहां पर नेट बी जीरो हो जाए, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट इनके बीच में नहीं लिया, ये पॉइंट यहां क्यों लिया समझ में आ रहा है, क्योंकि एक भी ऊपर एक भी नीचे, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, बी टू कितना, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू इंटू आई टू डिवाइडेड बाय एक्स, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, इसका इनफाइनाइट का फॉर्मूला यहां पे क्या लगेगा, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू इंटू आई वन डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, इन नहीं करो अप करो, एक डाउनवर्ड और एक
अपवर्ड करो इसे, और अगर आप चाहते हो कि नेट बी क्या हो जाए, जीरो, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड का वेक्टर आपस में क्या करेगा, कैंसल, इक्वेट करके आर गिवन है एक्स कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा क्वेश्चन है, पर वो ज्यादा आसान था मुझे लगता है। ठीक, ये भी आसान है वैसे तो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 2a है, स्क्वायर में करंट आई है, आपको स्क्वायर के सेंटर पे नेट b बताना है कितने। अब आपने कोई स्क्वायर का फॉर्मूला तो सीखा नहीं, स्क्वायर चार स्ट्रेट वायर से बना हुआ है, तो आप इसको चार न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लो, ये न्यूमेरिकल नंबर वन स्ट्रेट वायर जो बी कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहले फर्स्ट वायर ले, फर्स्ट वायर में करंट आई है, ये इनफाइनाइट वायर नहीं है, फाइनाइट वायर है, और अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आधा a, तो इस एंड ने एंगल, क्योंकि टोटल एंगल स्क्वायर में यहां 90 होता है, तो आधा आधा 45 45, तो एक एंड ने एंगल 51 बनाया, 45 52 बनाया 45। तो इस वायर का बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 45 प्लस साइन 45। डायरेक्शन बाद में देखते हैं, बी वन क्लियर है। सिमिलरली रूल बी टू पे लगेगा, बी टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय अगेन ए, ये 2a है तो ये आधा ए साइन 45 प्लस साइन 45। सिमिलरली बी थ्री, सिमिलरली बी फोर, तो कम से कम ये तो मानते हो कि बी वन का, बी टू का, बी थ्री का और बी फोर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। क्या स्टेप क्लियर है? अब नेट बी निकालने के लिए हमें डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर की, कि देखते हैं कि उनमें से कौन से वेक्टर ऐड करने और कौन से सबट्रैक्ट करने हैं। कोई डाउट इसमें? तो चेक करें, सबसे पहले इस वायर की बात करते हैं, इसमें करंट कहां आ रहा है, नीचे, तो थंब नीचे, बी कहां आएगा, आउटसाइड, इसमें कहां आ रहा है, ये रहा, तो कैसे आएगा, आउटसाइड, इसमें कहां आ रहा है, ऊपर, कैसे आएगा, आउटसाइड, इसमें कहां आ रहा है, इस तरफ, कैसे आएगा, आउटसाइड। इतनी तकलीफ करने की आपको वैसे जरूरत है भी नहीं, कि आप मुड़ मुड़ के देखो, कोई जरूरत नहीं है। ये रखो एक स्क्वायर, ये मान लो करंट जा रहा है इस तरफ, और अब बी यहां निकालना चाहते हो, करंट अगर यहां जा रहा है थंब इस तरफ, तो बी कैसे है, आउटसाइड, राइट। कॉपी को घुमा लो, करंट कहां जा रहा है, इधर, बी कैसे है, आउटसाइड, खुद मुड़ने की क्या जरूरत है, कॉपी घुमाओ, आउटसाइड। बहुत लोग मैंने देखे अभी देखना, बहुत लोग मुड़ मुड़ के क्वेश्चन भी गलत कर देंगे, इतनी परेशान की जरूरत नहीं है, कॉपी को उल्टा करके देख लो, थंब बस करंट के साथ रखना, अपने आप फिंगर सही आंसर देगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो करके देखना, करके देख लो, रादर अपने स्क्वायर के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर लगा लगा के देखो, शीट घुमा के देख लो, आंसर देखना आउटसाइड आएगा। हाँ जी, ठीक है ना यहां तक? ठीक होता है, बंदे को पता नहीं लगता, कॉपी भी उल्टी कर लेनी है, बट इस बार आपका तो ऑनलाइन पेपर है, फिर आपको तो स्क्रीन के आगे ऐसे भी करना ही पड़ेगा। जब मैं घर रहा हूं, क्या करोगे ऑनलाइन में, क्या करोगे, यही करोगे और क्या। लास्ट क्वेश्चन आज का, सपोज दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, ध्यान आगे प्लीज, क्लोज करेंगे, दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, ये री, आगे प्लीज देखो, एक क्रॉस और एक डॉट, एक क्रॉस और एक डॉट आर टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट आई गिवन, ये करंट कैरिंग वायर्स है, आई करंट है, आई सोर्सलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ए गिवन है, आर नहीं गिवन, आर की वैल्यू ए की फॉर्म में निकाल लेंगे, आपको यहां पर नेट बी निकालना है कितना है दोनों वायर्स की वजह से। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से सबसे पहले तो आर आ गया, ठीक। फर्स्ट वायर इनफाइनाइट है, आर डिस्टेंस दूर, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय आर, और
सेम सेकेंड वायर का होगा, करंट और आर इसमें भी एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें करंट कहां पर है? इनसाइड है, फिंगर्स ये डॉट 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 मेरी फिंगर्स हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन वाले का बी वन इधर आ गया। फिर इसमें करंट कहां है? आउटसाइड है, डॉट 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 फिंगर यहां बनेगी तो टेंजेंट यहां बनेगा, बी टू आ गया। बी वन बी टू 90 डिग्री पे है, नेट बी की वैल्यू आपको लिखनी है अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, पर बी वन की वैल्यू बी टू के इक्वल है तो रूट टू बी वन, बी वन आपको पता है, नेट आंसर आ गया। डायरेक्शन अगर पूछ ले तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट डायरेक्शन बी की नीचे की तरफ आएगी, पर मैग्नीट्यूड क्लियर है कैसे निकलेगा, कोई डाउट इसमें? तो रूल प्रैक्टिस करना है, एक डेरिवेशन दूंगा नेक्स्ट टेस्ट में और साथ में दो तीन न्यूमेरिकल वही सेम जो मैंने अभी आपको करवाए, हो सकता है चेंज करके भी दूं, बस आपको रूल करके दिखाना है आता है कि नहीं आता, बस ये आपका नेक्स्ट टाइम का काम है। और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी प्लीज़ अपना टेस्ट देंगे।